हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे स्पेक्ट्रम, एटमिक स्पेक्ट्रम, उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है ना। उसमें उसका सीरीज ऑफ लाइंस देख लिए थे, लाइमन सीरीज, मामर, पाशन, ब्रैकेट फंड, ये सब चीज़ें हो चुका था। क्वेश्चन उसमें नहीं किए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करेंगे, पहले हम लोग जो है ना इसको पढ़ लेते हैं, ड्यूअल कैरेक्टर, ठीक है। जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर, ड्यूअल कैरेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे ड्यूअल एंड वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर। तो हम लोग जैसे स्टार्टिंग में देखे थे कि प्लैंक्स क्या बोला था, ठीक है ना। प्लैंक्स बोल रहा था कि एटम अब्जॉर्ब जो है ना, कोई भी मैटर या एटम जो है ना एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, ठीक है ना। क्वांटम वहाँ पे जो एनर्जी को एज अ वेव हम लोग कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। बाद में जो है आइंस्टीन का हम लोग देखे, तो आइंस्टीन में हम लोग क्या बोल रहे थे कि उसका जो आइंस्टीन का जो थ्योरी था, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, उसमें देखे कि लाइट एनर्जी आ रहा है, ठीक है ना, मेटल से स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी जो लाइट है ना एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक, एक तरह का पार्टिकल है। तो यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है, कि लाइट जो है, जैसे कुछ फिनोमिना होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ फिनोमिना होता है जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ठीक है। ये जो है ना लाइट में पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है, वहाँ पे डिटेल से सब चीज़ें पढ़ना है। केमिस्ट्री में इसका जो है ना वो बस एक टर्म है कि इसको जान लेना है। तो कुछ फिनोमिना होता है जैसे डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस, ये सब जो होता है ये हम लोग बताते हैं कि लाइट एज ए वेव है, यानी लाइट को एज ए वेव मान लेते हैं, उसके बेसिस पे इस फिनोमिना को समझाते हैं कि इंटरफेरेंस ऐसे होता है, डिफ्रैक्शन ऐसे होता है। कुछ फिनोमिना ऐसा होता है जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, और हम लोग जो पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें हम लोग मानते हैं कि लाइट जो होता है एक पार्टिकल होता है, ठीक है, जैसे हम लोग दिखाए हुए थे वहाँ पे। तो कुछ फिनोमिना में हम लोग मानते हैं कि जो है ना कि लाइट एक वेव है, कुछ फिनोमिना में हम लोग मान लेते हैं कि लाइट जो है ना पार्टिकल है, यानी ओवरऑल हम लोग मान रहे हैं कि लाइट एज ए पार्टिकल भी है और लाइट एज ए वेव भी है, ठीक है। ये फाइनली जो है आइंस्टीन बताया था 1905 में, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, बस बताया था आइंस्टीन, दिमाग में बस रखना है, नहीं भी रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे कंक्लूड ये हुआ है कि लाइट जो है ना एक पार्टिकल है और एक वेव भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आ रहा है, ठीक है ना, ये डी ब्रोगली ला रहा है, ठीक है ना, लुइस डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली जो है ये जो थ्योरी था लाइट का, कि लाइट एज ए पार्टिकल है और लाइट एज ए वेव है, उसको जो है मैटर में लेके आ गया, ठीक है, यानी जो मैटर है, यानी आप लोग देखिए टॉपिक ही है पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर। तो डी ब्रोगली जो है एक्सटेंड कर दिया, यानी ये जो आइडिया था लाइट का यानी फोटोन का, ठीक है ना, उसको मटेरियल पार्टिकल में वो लेके आ गया। तो मटेरियल पार्टिकल में लेके आ गया, तो ये बोला, ठीक है ना, कि जैसे लाइट क्या है उसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है, और सही क्या है कि मैटर में भी क्या हो गया, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होगा, ठीक है। ये बोलना था डी ब्रोगली का, कि अपना जो थ्योरी था ना स्टार्टिंग वाला कि लाइट एज ए पार्टिकल और वेव है, ड्यूअल कैरेक्टर है इसके पास, ठीक है ना, दोनों गुण है लाइट पार्टिकल का भी और वेव का भी, तो उसको ट्रांसफर कर दिया मैटर में, कौन, डी ब्रोगली, ठीक है। तो डी ब्रोगली का ये थ्योरी था कि मैटर को भी हम लोग क्या है ना, मैटर में भी दो तरह का कैरेक्टर दिखा सकता है, ड्यूअल कैरेक्टर, और ये ड्यूअल कैरेक्टर क्या होगा, पार्टिकल का भी होगा और वेव का भी होगा। तो अब इसके बेसिस पे ना कुछ फॉर्मुलेट किया, वेवलेंथ निकाला किसी भी मटेरियल पार्टिकल का, ठीक है। तो हर चीज़ का वेवलेंथ निकालने के लिए मैटर में जो भी है उसका वेवलेंथ निकाला। तो अब हम लोग पहले जो है ना वेवलेंथ निकाल लेते हैं स्टार्टिंग का, कि अगर लाइट है तो लाइट का वेवलेंथ क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग का सिंपल सा इक्वेशन है, जो इसे पहला इक्वेशन है ई इजकल टू एच न्यू, न्यू फ्रिक्वेंसी है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग ये पढ़े थे। तो पहला इक्वेशन है ई इजकल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सेकेंड थ्योरी है ई इजकल टू एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन का इक्वेशन। तो आइंस्टीन का इक्वेशन तो सबको पता है, तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जो है ई इजकल टू एम सी स्क्वायर होता है, और प्लैंक के अनुसार जो है ई इजकल टू एच न्यू होता है। तो अब ये जो है ना
दोनों एनर्जी के बराबर है, एच एन यू भी और एम सी स्क्वायर, तो दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिए, जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ फोटोन है, ठीक है, और सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी फोटोन हम लोग देख रहे हैं, फोटोन जो है ना सी वेलोसिटी ऑफ लाइट से जो है ना मूव कर रहा है, तो उसका जो है ना एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो जाएगा। और जो है फोटोन एज ए वेव है, ठीक है ना, ये तो पार्टिकल है तो कुछ मास होगा तो फोटोन का, तो एम मान लिए उस हिसाब से मूव कर रहा है। एक बच्चा पूछ भी रहा था सर फोटोन का मास होगा, तो मास होगा यहाँ पे देख लो ये, ठीक है ना, पूछने का जरूरत नहीं था, ये पढ़ते तो अपने आप आ जाता है, इसे पूछ लिया तो अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है ये जो है ना पार्टिकल देख रहे हैं तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेव देख रहे हैं तो इज इक्वल टू एच नहीं, बराबर कर दिए दोनों, तो दोनों को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करने के बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा, ठीक है, ये सब तो हम लोग पहले देखे हैं, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वाई लैम्डा, तो ये जो है ना इसको पुट कर दिया यहाँ पे, न्यू इज इक्वल टू सी वाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी सी था वो कैंसिल हो गया, यानी ठीक है लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, इसको इधर ले जाएंगे तो एच अपॉन एम सी, ठीक है ना, लैम्डा इधर ले जाएंगे तो एच अपॉन एम सी आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है ना क्या निकाला कि यहाँ पे अगर कोई फोटोन है जिसका मास m है, सी एस सी वेलोसिटी से जो है ना जा रहा है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी, ठीक है, ये जो है ना स्टार्टिंग में था कि मतलब ये दोनों को रिलेट कर लिए कोई लाइट पार्टिकल है उसके लिए, तो अभी मैटर पे आए नहीं, मैटर जो है ना ये लाया, मटेरियल पार्टिकल पे जो है ये डी ब्रॉग्ली लाया। अब डी ब्रॉग्ली का बोलना था ना कि जैसे ये तो लाइट के लिए है, ये लाइट के लिए है कि ठीक है ना वेवलेंथ ये है और सी से मूव कर रहा है, तो दोनों का रिलेशनशिप इस तरह से हम लोग ले आए, तो डी ब्रॉग्ली बोला कि अगर जो है ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग अप्लीकेबल कर देंगे मटेरियल पार्टिकल में, यानी ये इक्वेशन मटेरियल पार्टिकल में जो है ना अप्लीकेबल हो जाएगा, अगर वेलोसिटी का जो फोटोन है, ठीक है सॉरी फोटोन का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल का ले आए, और जो मास है फोटोन का उस जो है ना मास हो जाएगा मटेरियल पार्टिकल का, तो यहाँ पे ठीक है ना मटेरियल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो है ना मास मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का मास एम है, तो पता होता है 9.18 × −31 kg, ठीक है ऐसा यूनिट में, और सी तो पता है, ठीक है ना, ये तो स्पीड का लाइट है, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा तो वो मान लेते हैं भी है, ठीक है ना, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये मान लेते हैं भी है, इलेक्ट्रॉन का मास एम है और ठीक है ना इसका वेलोसिटी भी है, तो लैम्डा जो है ना उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम लोग निकाल देंगे कितना होगा, ठीक है, इस तरह किसी भी पार्टिकल का मास दिया रहे, ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल का मास दिया रहे और उसको जो है ना मूव करा देंगे किसी वेलोसिटी से तो वेवलेंथ निकल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्या चीज़ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो जैसे मास जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, ठीक है ना, तो वेवलेंथ जो है उस तरह से जो है सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आ पाएगा, ठीक है, नेग्लिजिबल बहुत होते जाएगा, तो जैसे हम लोग भी अपना वेवलेंथ निकालने की कोशिश कर सकते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए जो है ना वहाँ पे चीज़ नहीं आता, जिसका मास कम है उस हिसाब से उसको बहुत तेज़ से मूव कराएंगे, ठीक है ना, तो उसका सिग्निफिकेंट वेवलेंथ आने लगेगा, तो उस हिसाब से हम लोग है ना मटेरियल पार्टिकल में अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे मतलब छोटा पार्टिकल है, ठीक है, मास मास बहुत बहुत कम है, तो उसको जो है यहाँ यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन, तो एक तो हो गया लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी, ठीक है ना, उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, एम भी क्या होता है मोमेंटम, तो पी इज इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मोमेंटम, ठीक है, तो P इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू एम भी, ये पता है, तो सीधे हम जो है ना एम भी इज इक्वल टू लिख दिए P, तो ये मोमेंटम आ गया। अब जो है इसको एनर्जी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई पार्टिकल के पास का मास एम है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ मोमेंटम होगा, मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मान लिए E है, E इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं ना दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भी एम से मल्टीप्लाई किए तो एम, इधर भी एम से मल्टीप्लाई किए तो एम स्क्वायर आ गया, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना इसको टू को इधर ले आए तो टू एम ई हो गया और ये एम भी का स्क्वायर हो गया, एम भी इक्वल टू क्या था मोमेंटम, ठीक है, तो ये जो हो गया पी हो गया, तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया टू एम ई, अब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एम ई का स्क्वायर रूट, तो ये टू एम ई का स्क्वायर रूट हो गया, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एम ई, जो हो गया ना काइनेटिक एनर्जी, कहा कि पार्टिकल जो है ना मूविंग है इसीलिए,
तो यहाँ पे देखना, तो लेमडा इजकल टू एच अपॉन एम बी और एच अपॉन पी इजकल टू एच अपॉन पी इजकल टू हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, स्क्वायर रूट टू एम ए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट टू एम ए। तो इस तरह से जो है ना, ये मेन थ्योरी मेन जो है ना, मेरे पास क्वेश्चन आ गया, किसी भी पार्टिकल का मास दिया रहेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, वेवलेंथ निकाल लेंगे, मोमेंटम दिया रहेगा तो तभी वेवलेंथ निकाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी उसका पता रहेगा, ठीक है ना, मास पता रहेगा, ठीक है ना, तब भी वेवलेंथ निकाल लेंगे। इसका वैल्यू तो पता होता है ना, 6.66 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। तो ये चीज़ हम लोग जो है इस तरह से कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल मेरा पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर, ठीक है, या ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर आ गया, जो कि लाइट से रिलेटेड है, लाइट का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसको थोड़ा यूज़ करना है, क्वेश्चन बनाना है, बस यूनिट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन कराएंगे तो पता चल जाएगा उसमें। एक चीज़ और जो है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसी का जो है ना, इसी का यूज़ करके ये थ्योरी है, बेसिक सा थ्योरी है, इसमें कुछ सिंपल सा है, इसमें इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है, जैसे हम लोग देखें क्या कि यहाँ पे लाइट के बारे में बता रहा था कि लाइट के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली बोला, ठीक है। तो अगर पार्टिकल के पास, तब सपोज करो ये ऑर्बिट है, ठीक है ना, ये एटम का ऑर्बिट है, तो एटम का ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, तो चारों ओर घूमेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है, तो वेव के फॉर्म में भी घूमेगा, ठीक है ना, ये वेव के फॉर्म में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो चारों ओर जो है ना राउंड राउंड घूमेगा, साथ में वेव है तो वेव के भी फॉर्म में घूमेगा। तो ये हम लोग जो है ना, ये किसके बेसिस पे बता रहे हैं, डी ब्रॉगली के बेसिस पे। डी ब्रॉगली बोला कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होगा, पार्टिकल का भी और वेव का, उसी बेसिस पे हम लोग जो है ना ये बना रहे हैं और इस चीज़ को सोच रहे हैं कैसा होगा। तो उसके बाद देखना, एक टॉपिक है वेव में, ये सब पढ़ोगे तुम, ठीक है ना, जो फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा वेव, तो उसमें डिटेल से पढ़ोगे, हम लोगों को केमिस्ट्री बस इतना ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे बोलता है ना कि अगर वेव कम्प्लीटली इन फेज है, ठीक है, कम्प्लीटली अगर वेव फेज में है तो उस केस में क्या होगा। अब इन फेज आउट फेज क्या होता है ना, वो फिजिक्स में पढ़ लेना और डिटेल्स वहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इन फेज आउट फेज तुमको इंटरफेरेंस में भी आएगा, वेव में भी आएगा, ठीक है। इन फेज मतलब होता है कंप्लीट एडिशन, आउट फेज मतलब होता है उसका अपोजिट हो जाता है, वहाँ पे देख लेना, अभी यहाँ पे इतना ही ज़रूरत है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हम लोग के पास। तो वेव अगर कम्प्लीटली इन फेज है तो सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट जो होगा मस्ट बी इक्वल टू द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, ये मान लो रेडियस आर है इस ऑर्बिट का, तो सरकमफेरेंस कितना होगा, 2πr, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, वेवलेंथ का, तो n इंटू लेमडा, लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब कितना n कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, तो 2πr इजकल टू n लेमडा, ठीक है। तो ये जो है ना एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पे किसके किससे क्रिएट हो गया, हम लोग मान लिए कि इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का भी और वेव का भी, तो 2πr इजकल टू एन लेमडा। अब देखना यहाँ पे लेमडा, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट किए ना, लेमडा इजकल टू एच अपॉन एम भी, ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे, तो एच अपॉन एम भी पुट कर देंगे, तो लेमडा इजकल टू एच अपॉन एम भी। तो यहाँ पे देख लेना 2πr इजकल टू एन एच अपॉन एम भी। अब देखो एम भी को इधर ले जाएंगे ना, तो एम भी आर हो जाएगा और क्या होगा, एन एच अपॉन, ये 2π नीचे आएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो एम भी आर हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एम भी आर, ठीक है, तो एम भी आर इजकल टू एन एच अपॉन 2π। तो जो बोर का थ्योरी था ना कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एच अपॉन 2π के इंटेग्रल मल्टीपल होगा, बोर का थ्योरी याद करो, पहला थ्योरी क्या था, पहला स्टेटमेंट उसका क्या था कि जो है ना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है और प्रत्येक ऑर्बिट का एनर्जी जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, और वो उस ऑर्बिट को एनर्जी सेल बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट का जितना एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही एनर्जी होगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि एंगुलर मोमेंटम एम वी आर जो होगा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π होगा। तो ये चीज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसके बेसिस पे साबित कर दिए इसको, ये डी ब्रॉगली का जो थ्योरी था उसके बेसिस पे ये ना प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे देखो एक तो ये चीज़ था, यहाँ पे जो है ना नंबर ऑफ वेव निकालने के लिए पूछेगा, तो नंबर ऑफ वेव एन इजकल टू, ठीक है ना, एन नंबर ऑफ वेव हो जाता है और एन का वैल्यू कितना आएगा, 2πr अपॉन लेमडा। तो वेव नंबर देखो पढ़े हम लोग क्या, एक वेव लेंथ,
एक वेव नंबर और एक नंबर ऑफ वेव्स, तीन चीज़ है, तीनों अलग अलग चीज़ है। तो नंबर ऑफ वेव निकालने के लिए बोलेगा तो टू पाई आर अपॉन लेमडा करेंगे। एन जो होता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इसको बोलते हैं, ये अभी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसके बाद फिर क्वांटम नंबर्स पे आएंगे। तो क्वांटम नंबर्स में पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से लिखते हैं। तो वो सेम ये एन जो है ना, वही एन यहाँ पे ये भी है, तो वहाँ पे देख लेंगे, फिलहाल तो अभी उसका ज़रूरत नहीं है। तो एन होगा नंबर ऑफ़ वेव्स। तो ये तुमको जो है कंप्लीट यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ़ वेव्स निकालने बोलेगा तो टू पाई आर अपॉन लेमडा सर्कमफेरेंस और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कर देंगे। तो ये सिंपल सा थ्योरी था पार्टिकल और वेव कैरेक्टर का यहाँ पे। और उसके बाद जो है हम लोग जो है बोर का जो सेकेंड पॉइंट था उसको हम लोग प्रूफ किए, उसके बाद नंबर ऑफ़ वेव्स निकाल लिए टू पाई आर अपॉन लेमडा, और ये जो है वेव का जो है वेवलेंथ का फार्मूला जो है जनरेट कर लिए मोमेंटम के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो इस सब का यूज आएगा क्वेश्चन में। तो हम लोग जो है ना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको सबको लिख लेना है, ठीक है, आराम से इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ना हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट टू लास्ट क्लास जो क्वेश्चन किए थे, मतलब क्वेश्चन जो क्लास में मतलब दिया था मैंने, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसके बेसिस पे क्या होगा ना तुमको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सहूलियत मिलेगा। तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था, ठीक है, हम लोग का, ठीक है, क्वेश्चन था कि हाउ मच एनर्जी, ठीक है, याद करो पहला क्वेश्चन लिखाया था उसमें जो आंसर था उसका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें बोल रहा था कि पहला एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बताना है, तो पहला एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2, उसमें हम लोग इसको आंसर बता दिए थे। सेकेंड में था कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो कितना एनर्जी जो होगा उसके इसमें क्या होगा नीडेड होगा। तो ठीक है, ग्राउंड स्टेट की हम लोग बात कर लेंगे, कुछ नहीं बात कर रहा है ना, कुछ बोल तो नहीं रहा है, तो हाइड्रोजन मान लेंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो बोल रहा है तो हाइड्रोजन ही होगा। तो यहाँ पे एनर्जी होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट बोल रहा है तो n1 z1, तो ये कितना हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये कुछ इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको कहाँ ले गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर हम लोग ले गए तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इस केस में क्या होगा, ये जो है ना n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, पहला स्टेशनरी स्टेट, ठीक है, दूसरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तीसरा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं पहला स्टेशनरी स्टेट, दूसरा स्टेशनरी स्टेट, तीसरा स्टेशनरी स्टेट, तो n=1, n=2, n=3 ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली स्टेशनरी स्टेट पहला बोलते हैं, फिर ठीक है ना एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो e1=2 कुछ नहीं बोल रहा है तो हाइड्रोजन ही होगा। यहाँ पे 13.6 इंटू जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन है तो 1, और डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 2, ठीक है ना, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, तो -13.6/4, ठीक है ना, वो सेम चीज़ आ गया ना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, सॉरी ये तो 2 होगा ना, तो फाइनल कितना हो जाएगा e2 - e1, तो e2 कितना है -3.4, माइनस इनिशियल कितना था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13.6 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो कितना हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, प्लस में आएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये प्लस में आएगा, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे, उसमें रेडियस निकालने, नहीं सॉरी, वेलोसिटी निकालने के लिए बोला गया था कि वेलोसिटी बताइए इलेक्ट्रॉन का जो कि सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन के रिवॉल्व करेगा। तो वेलोसिटी का तो हम लोगों का फॉर्मूला था ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.182 इंटू 10^6 इंटू जेड बाई एन, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड ये था। तो इसमें क्या था कि इसका, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा था तो जेड इजकल टू 1, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट ले रहा था तो एन इजकल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2.182 इंटू 10^6 हाइड्रोजन ले रहा है तो जेड इजकल टू 1, और दूसरा ऑर्बिट ले रहा है तो वो 2 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड, बस इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। सर जो भी कमेंट में आया था सबका करीब करीब यही आंसर था, सही था। बाकी लोग कमेंट नहीं किए तो करिए, ठीक है। एक्चुअली होगा कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग क्वेश्चन बनाया होगा, तो हो सकता है कुछ कुछ का आंसर, ठीक है, यहाँ पे आ गया होगा -10.2, या कुछ कुछ आया होगा, बहुत लोगों का सही भी आ गया होगा। तो कमेंट में डालने से बस इतना होगा कि थोड़ा जोश बना रहेगा, और ज़्यादा जोश रहेगा तो नया कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा जोश से आप लोग करोगे तो थोड़ा, ठीक है ना, मोटिवेशन बना रहेगा। तो मेरा मानना है कि कमेंट करें जितना ज़्यादा जितना, मतलब अब हो सकता है कि जो है ना बनाए तो थोड़ा गलत हो जाए तो क्या दिक्कत है, गलत हो गया तो हो गया, इस बार गलत हुआ ना, आगे सही हो जाएगा। अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और गलत भी हुआ ना तब भी लगेगा कि चलो ठीक है गलत है, अगले बार से सही बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। तो कमेंट करना चाहिए, ठीक है ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें कम से कम आंसर लिख के देखिए कितना आया, मतलब जैसे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँ आप क्वेश्चन बना के थोड़ा तो जो है ना तुरंत कमेंट में डाल देना है, मतलब जब भी वीडियो अपलोड होगा, मतलब जब भी वीडियो देखेंगे उस समय, और उसके बाद भी मिलाना है कि सही हुआ कि गलत हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लास में करते हैं क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर ठीक है ना पूछ लेते हैं कितना किसका आंसर आया, तो उस हिसाब से जो है ना बनाते हैं, तो बस बच्चे मिला लेते हैं, तो उस हिसाब से करना है आप लोग को, तो करिएगा तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। और जो है आप लोग वीडियो जो है ना, मतलब चैनल मेरा जो भी है यहाँ पे उस सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको जो है ग्रुप में जो है ना भेजना पड़े, ऐसे तो ग्रुप में मैं भेजूँगा, थोड़ा लेट हो जाता है, ऐसे पहले ही मतलब आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब किया रहेगा तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी बेटर रहेगा, ताकि हमको जो है ग्रुप में अगर लेट भी हो जाए भेजने में तो आपके पास वीडियो आसानी से अवेलेबल रहे नेक्स्ट लेक्चर का। तो यहाँ पे जो है ना मेरा ये क्वेश्चन था, अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा टारगेट रहेगा कि जो है जो क्वेश्चन का वैरायटी आता है उसको कवर करने का, ताकि क्वेश्चन बनाने में क्या है ना कम दिक्कत हो आप लोगों, तो कोशिश ये रहेगा कि वैरायटी कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखना है, बनाना है, कमेंट में डालना है, उसके बाद फिर जब हम सॉल्यूशन देंगे तो मिलाना है, उस समय तक वीडियो स्टॉप कर देना है, और उसके बाद मिलाना है, देखना है सही है कि गलत है, ठीक है, गलत है तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, अगला बार सही बनाना है, और सही है तो फिर अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द आयोनाइजेशन एनर्जी, हर टॉपिक का क्वेश्चन जो है ना हम लेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Hg+ is 19.6 इंटू 10^-18 जूल पर एटम, ठीक है, ये दिया हुआ था। उसके बाद पूछ रहा है आगे, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट of the first stationary state of first stationary state of Li2+, ठीक है। पहले जो है ना हीलियम के बारे में बता रहा है, अब बाद में जो पूछ रहा है किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, Li2+ के बारे में। अब इसको जो है ना बनाना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो
आप लोग वीडियो स्टॉप कर लीजिए, ठीक है ना, और बनाइए, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो आयनाइजेशन एनर्जी का सबसे पहले जो फॉर्मूला देखे थे ना, उसको फटाक से लिख लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी जेड इजकल टू आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या होगा, फिक्स होगा, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेंगे। अब जो है ना, जिसके लिए बोलेगा उसके लिए कर लेंगे, और क्या उसमें क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ठीक है, जैसे पहले हीलियम के लिए बोल रहा है, तो एच प्लस का जो है ये कितना हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, इंटू जेड, जेड कितना होगा, टू का स्क्वायर, कुछ नहीं बोल रहा है, तो एन कितना होगा, वन, कुछ नहीं बोला है, मतलब एन इसका टू वन। और उस सिमिलरली जो है, हम लोग को निकालना किसके लिए, तो इसका वैल्यू जो है ना दिया हुआ था, तो इसका वैल्यू जो है दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 19.6 इंटू 10^-18 जूल पर एटम। तो यहाँ पे तो एक एटम का ले ही रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जूल आएगा इसकल टू आयनाइजेशन एनर्जी एच इंटू टू का स्क्वायर यानी 4। सिमिलरली जो है ना, ये तो पहला इक्वेशन मेरा आया, पहला इक्वेशन तो यही था, ठीक है ना, ये दूसरा इक्वेशन आया, और फिर हम लोग जो है लिथियम के लिए ले लेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो लिथियम 2+ आएगा, इसके लिए जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन का इंटू लिथियम का एटम की एटमिक नंबर कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर, कुछ नहीं बोल रहा है, तो एन का वैल्यू 1, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा। इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, Li2+ इंटू आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन इंटू 9, ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है। अब जो है हमको निकालना था इसके बारे में ना, तो 3/2 कर देंगे, ठीक है, 3/2 कर देंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू कितना था, 19.6 इंटू 10^-18 जूल, इंटू इसका वैल्यू कितना था, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन इंटू 9 डिवाइडेड बाई आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन, ऐसे तो हमको पता है 13.6, ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका जो होता है, ये कितना जाएगा, 4, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही करना था इसमें। अब आप लोग आंसर मिलाइए कितना आता है, इसका आंसर हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आएगा 4.41 इंटू 10^-17 जूल, ठीक है, कितने लोगों का सही आया जी, चेक कर लेना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबको कॉपी कर लेना है आप। ठीक है, मतलब एक आसान क्वेश्चन की तरफ जो है ना, एक आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फोर्थ बोर, ठीक है ना, बोर्स ऑर्बिट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, ठीक है ना, फोर्थ बोर ऑर्बिट टू सेकेंड, ठीक है, टू सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट फॉर Hg+ आयन, ठीक है, फॉर Hg+ आयन, ये बनाना है। वीडियो स्टॉप कीजिए, बनाइए, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो पूछ रहा है ना, तो सिंपल यहाँ पे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, आर इजकल टू, तो हम लोग को पता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है ना, एंगस्ट्रम ये पता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे R4, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा ना, 0.529 इंटू, अब जो है फोर्थ ऑर्बिट पूछ रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर,
और किसके लिए पूछ रहा है? तो एच प्लस के लिए, तो हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना? 2, तो यहाँ पे रख लेंगे। सिमिलरली आर टू निकालेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे एंगस्ट्रम में यूनिट भी लिख देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? 0.529 इंटू, अब दूसरा ऑर्बिट है तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे तो हीलियम ही आयन है, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही है, तो ये एंगस्ट्रम। अब रेशियो पूछ रहा है ना, 4/2, तो R4/R2 यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 0.529 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक ही बार लास्ट में कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 स्क्वायर बाई 2, एंगस्ट्रम तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है ना, 16/4, ये 4 आ जाएगा आंसर। कितना लोग आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस पे भी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। वो एक चीज़ जो है मिस कर गए थे। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये स्पेक्ट्रल लाइन क्या हुआ, जो हम लोग पढ़े थे ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो बहुत सारा जो लाइन्स आया था, लाइमन का, बामर का, पाशन का, ब्रैकेट का, फंड का, ठीक है ना, सब को हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। तो टोटल उतना जो है ना, टोटल कितना लाइन होगा ये कैसे निकालेंगे? तो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे ना, उसमें ऑर्बिट मान रहे थे ना, n=1, n=2, ठीक है ना, 2, n=3, ठीक है, इस तरह से। और n=, हम लोग क्या है ना मान लेते हैं, ये जो है n=n हो गया। तो टोटल जो है ना स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा सब बताना है मिला के। तो जैसे हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 से कितना लाइन आ सकता है मैक्सिमम, तो 2 से कितना लाइन आएगा? एक ही लाइन आएगा ना, एक ही लाइन मैक्सिमम आएगा। अगर 3 से देखेंगे, ठीक है, तो 3 से मैक्सिमम कितना आएगा? तो 3 से 1 तक जा सकता है, 3 से 2 तक जा सकता है, तो 3 से मैक्सिमम 2 लाइन जाएगा। अब ये नहीं देखना है कि लाइमन का कि बामर का, टोटल कितना, तो n=3 से कितना आएगा? 2 लाइन आएगा। तो अगर 2 रहता है तो 1 लाइन, 3 रहता है तो 2 लाइन, 4 रहेगा तो 3 लाइन, ठीक है ना, तो n रहेगा तो कितना लाइन आएगा? n-1 लाइन। फिर से एक बार, ठीक है ना, 3 रहेगा तो 2 लाइन, 2 रहेगा तो 1 लाइन, तो एन रहेगा तो 1 कम n-1, ठीक है। और n-1 में कितना हो जाएगा? n-2, ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा? n-3। इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर? 4, 3, 2, ठीक है, और लास्ट 2 के लिए कितना हो जाएगा? 1। तो इतना लाइन मेरे पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइन होगा। तो अब बस जो है ना सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या है, 1 से लेके n तक एडिशन है ना, तो 1 से लेके n तक एडिशन तो हम लोग सब जानते ही हैं, ठीक है ना, क्या हो जाता है? n(n+1)/2, तो इसका भी हम लोग कर लेंगे। तो n कितना है? n-1, और n-1, ठीक है, +1, ठीक है ना, n+1/2, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो टोटल कितना स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगा? n(n-1)/2, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करना है। जैसे पूछ लेगा ना कि n=6 जो दिया हुआ है उससे मैक्सिमम कितना स्पेक्ट्रल लाइन आएगा, तो बता देंगे, 6 पुट कर देंगे, तो 6 × 6-1 = 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है, तो मतलब आसान है। जैसे नहीं पता है तो थोड़ा टाइम निकालेगा, मतलब टाइम लगेगा निकालने में, अगर फॉर्मूला पता है तो हम लोग आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब ये थ्योरी हो गया। तो इसको जो है समझना है, इसको सब कॉपी कर लीजिए, ठीक है, अब हटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अभी जो है हम ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन नहीं किए हैं, अभी जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन नहीं किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ना ड्यूअल नेचर के पहले ये क्या करते हैं,
ड्यूअल नेचर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ का। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो है सीरीज वाला उसका भी क्वेश्चन करेंगे। विथ व्हाट वेलोसिटी, ठीक है क्वेश्चन है, विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ व्हाट वेलोसिटी, कौन सा क्वेश्चन है आज का, आई थिंक तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। उसके पहले क्वेश्चन एक, ठीक है, रेडियस वाला दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन है। विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट, कमेंट में जो है ना क्वेश्चन नंबर उसके साथ आंसर डालना है। विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट एन इलेक्ट्रॉन, मस्ट एन इलेक्ट्रॉन मूव सो दैट, सो दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू, सो दैट इट्स मोमेंटम इज इक्वल टू दैट ऑफ, इक्वल टू दैट ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, फोटोन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 5200 एंगस्ट्रम, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। करीब करीब आंसर इसको बताना है, तो ठीक है आप लोग इसको बनाइए, वीडियो पॉज करिए, इसको बनाइए, आंसर डालिए, जो भी गलत सही आंसर आएगा उसको डालना है कमेंट में, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब कह रहा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिससे इसका मोमेंटम जो है इक्वल हो जाए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो हमको क्या कह रहा है, वेलोसिटी निकालना है, वेवलेंथ दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, मास क्या होता है, तो ये जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। तो हम लोग को तो पता ही है डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ के बारे में, लेमडा इज इक्वल टू एच एफ ऑन एम बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ये क्या हो जाएगा, एच एफ ऑन एम लेमडा, बस यहाँ पे यूनिट ध्यान देना और कुछ नहीं। तो एच का वैल्यू जो है ना 6.626 × 10⁻³, ठीक है, ये जूल सेकेंड, यूनिट ध्यान में रखना है, डिवाइडेड बाई मास, देखिए एसआई है तो इसका भी एसआई में रखेंगे, तो 9.1 × 10⁻³, ये सॉरी −31, ठीक है ना, −31, और ये केजी में एसआई में है, लेमडा को भी एसआई में रखेंगे, तो ठीक है ना 5200 × 10⁻¹⁰ मीटर, सब एसआई में आ गया, तो आंसर जाएगा वेलोसिटी क्या आएगा, एसआई में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। ज़्यादा दिक्कत है ना, तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी जो होता है ये क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और न्यूटन फोर्स क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो मास का एक यूनिट क्या होगा केजी, एक्सेलरेशन का क्या होगा मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना यहाँ पे, ये पे क्या आएगा केजी, जूल के बाद लिख रहे हैं यहाँ पे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई केजी इंटू क्या आएगा मीटर, तो यहाँ पे एक ये कट जाएगा और एक ये मीटर आएगा, एक सेकेंड से कट जाएगा, तो ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आंसर आ जाएगा इसमें। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने में क्या करेंगे, इसको 9 करीब करीब मान लेंगे, इसको 6.6 मान लेंगे, बाकी डिवाइड करना है, इसको जो है ना बाकी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ठीक है करीब करीब 1400 जो है ना मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा, ये तो लोग आया, ठीक है ये आंसर आएगा यहाँ पे। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेना है सबको, ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन भी देख लेना है, बहुत जगह आएगा, गैस स्टेट भी आएगा ना, उसमें भी बहुत सारा इसमें है, ये बस इसको सही कर लेंगे तो फिर जो है ना क्वेश्चन बन जाएगा, एडवांस में इसमें बहुत फंसाएगा इस तरह से करके, मतलब पहले से ही फंसाते आ रहा है, अब भी फंसाता है, तो सेम चीज़ है, पहले संभल जाओ बस, और कुछ नहीं है, संभल गया तो आसानी से बन जाएगा, मतलब बन तो जाएगा, मतलब गलत नहीं होगा, मतलब निगेटिव में नंबर नहीं लाना है, पॉजिटिव में नंबर लाना है, तो पॉजिटिव में नंबर आ जाएगा यहाँ पे।
तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर ये 4 हो जाएगा। तो इसमें है कैलकुलेट कैलकुलेट द स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड एंड डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट द स्पीड एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ठीक है 500 वोल्ट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द स्पीड एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है ना, स्पीड भी बताना है और वेवलेंथ जो है ना लेमडा बताना है इलेक्ट्रॉन का, जो कि एक्सेलरेटेड है। एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 500 वोल्ट का। ठीक है, तो अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहे 500 वोल्ट का, तो उस केस में जो उसका एनर्जी होता है, ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो एनर्जी वहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसको रिलेट करके बनाइए इसको। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे। और क्या कहते हैं कि मंडे को डॉट क्लास रहेगा। आप लोग जो है ना क्वेश्चन बनाइए, फिट जी का जो भी पैकेज है, बाकी मेडिकल का तो ठीक है ना, एलएन वाला जो पैकेज है तो बनाइए। उस दिन मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। और इस क्वेश्चन को बना के लाना है, कमेंट में इसका आंसर डालना है। ठीक है ना, अगले दिन इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद फिर जो है ना क्वांटम थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे। एक और डेल्टा एक्स वाला अप्रॉक्सीमेशन वाला एक थ्योरी यहाँ पे जो है उसको आगे कर लेंगे। यहाँ पे जो भी बचेगा ना ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिए हैं करीब करीब। यहाँ पे जो कुछ है क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद बीच बीच में वो सब कर लेंगे। एक दो चीज़ उसमें बचा हुआ है उसको कवर करना है, तो बाकी सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। आप लोग बनाइए, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, बनेगा। अगर कुछ दिक्कत होता है ठीक है ना, तो कोशिश करना है। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो मैसेज कर देना है हमको। ठीक है, मैसेज कर देना है और हम उसका रिप्लाई करेंगे। और ठीक है ना, मिल के बनाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, सब आसानी से बनेगा। और चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरा जो है ना नंबर आएगा इसमें, आईटी में, या जो नीट दे रहे हैं नीट में, या फिर मैं इसमें, ठीक है ना, नंबर आएगा, आता है, आएगा, आसानी से आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो है ना क्लास रख रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।